कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है भाई, बी सेफ। यहाँ पे भैया एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत ही बुरा। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली करोल बाग, कुछ सामान लेना था हम लोग को, और हम लोग अभी निकल चुके हैं। टाइम हो चुका है 10 बज गए पूरे, और देखते हैं कितने टाइम में पहुंचेंगे। तो हमें बहुत सारी सामान लेनी है अपने दुकान के लिए, इसलिए जा रहे हैं मोबाइल एक्सपीरियंस का, और वहाँ पे आपको काफ़ी चीपेस्ट, अगर आप भी सोच रहे हैं ये बिजनेस करने का तो देख सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी दिल्ली। फिलहाल हम लोग अपने यहाँ से निकल चुके हैं गाज़ियाबाद टू दिल्ली। सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें, अगर आपके यहाँ IDO के आसपास आप जाते होंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, पहले बहुत सारी देखते होंगे आप दलाल बैठे रहते थे अंदर लाइसेंस RTO ऑफिस में। अब आपको एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और सभी दलालों को निकाल फेंका है RTO ऑफिस से बाहर। और अपने गाज़ियाबाद में भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, लोगों को भरे भी गए, जेल भी हुई बहुत लोगों को। तो आप इजीली अपना लाइसेंस भी बना सकते हैं आप बिना दलाल के, बहुत इजी स्टेप है। अगर आपके पास नहीं है लाइसेंस तो आप लाइसेंस बनवाएं। और अभी हम लोग आ चुके हैं लाल कुआं। ने एक गलती कर दी है, बाइक में पेट्रोल नहीं था, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया, गाड़ी ब्लिंक करने लगी, और क्या पता ये पहुँच भी पाएगी कि नहीं। मुझे तो डर लग रहा है कि हाईवे पर कोई भी वो नहीं है पेट्रोल पंप जहाँ हम पेट्रोल डलवा सके। तो सबसे पहले मैं पेट्रोल डलवाऊंगा इसमें, सबसे पहले हम लेंगे पेट्रोल। तेरे क्या दिखा रहा? अरे अरे अरे, चल बसंती, ये डालना स्पीड 510। कैमरा देख रहा है, डोंट वरी। ओहो, बसंती का लाइट मीटर उठ गया है, अब टेंशन नहीं है। और मैंने जो अभी डलवाया वो स्पीड पेट्रोल डलवाया, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने इसको बोला था 510 का डालने का, इन्होंने 410 फीड करा था। फिर दोबारा इन्होंने पूछा भैया कितने का। तो ये सब जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो ये सब ध्यान रखें, जल्दीबाजी में कभी ये लोग वैसे ही करते हैं। और अगर आपने नोटिस कर लिया तो बोलेंगे सॉरी सर मैंने इतना ही सुना था, मैं दोबारा 100 का डाल देता हूँ। अगर नहीं किया तो फिर आपका वो 100 रुपये कम का डाल के देंगे। और दूसरी बात ये भी होता है, अगर मैंने मान लीजिए मैंने 500 या 1000 रुपये का डलवा रहा हूँ, मेरे से पहले बंदा अगर 100 या 50 रुपये का डलवाया, अगर मैंने नहीं देखा फीड सही से, फिर ये क्या करते हैं उसे जीरो नहीं करके फिर इसे उसी वैल्यू से चालू कर देते हैं। तो वो जो वैल्यू दिखेगा 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, फिर 1000 तक दिखाएगा, लेकिन अपने गाड़ी में उतने का कम का तेल आएगा। देखिए अभी हमारे दो धुरंधर राइडर्स जा रहे हैं, एक KTM है एक पल्सर करके है, और ये दोनों आपस में रेसिंग कर रहे हैं। कभी भी रोड पे रेसिंग नहीं करना चाहिए हमें। ओहो, यहाँ पे कोई हैपनिंग हो गई है, देखते हैं आखिर क्या हुआ। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है भाई, बी सेफ। यहाँ पे भैया एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत ही बुरा। देख सकते हैं आप मरीज को उठाया जा रहा है, हालांकि इन्हें चोट लगी है, काफ़ी सारे बाइकर। अब गलती किसकी है पता नहीं चल रहा, यहाँ बाइक और कार की भिड़ंत हुई है पता नहीं। अंकल बस गाड़ी से गिरे हैं, आप कैसे गिरे हैं पता नहीं चल पा रहा है, ये बाइक है और गाड़ी चाहे जो। और यहाँ पे पूरा जाम लग चुका है एक्सीडेंट की वजह से। कार को देखेंगे, कार में कहाँ लगी है गाड़ी आखिर जाके। थोड़ी सी आगे लेते हैं गाड़ी अपनी, और ये गाड़ी से तो नहीं लग रही है, इस गाड़ी से लगी है। इस गाड़ी का हालत आप देख सकते हैं, हिट करी है गाड़ी ने बैक से। अच्छा, इसने टक्कर मारी है,
ये देखिए इससे लगी, ये मारुति की गाड़ी साला डब्बा गाड़ी, इसकी कांच भी चटक गई है। देखिए मिनी कूपर, यहाँ पे आपको सारी गाड़ियाँ कोई सी भी कितनी महंगी गाड़ी है यहाँ पे दिख जाएगी आपको। अब बहुत सारी कार डीलर्स हैं, हम आ चुके हैं अभी क्रोलबाग, बाइक मॉडिफिकेशन, कार मॉडिफिकेशन, यूज्ड कार मार्केट, यूज्ड बाइक मार्केट, सारे यहाँ पे हैं आपको एक से बढ़ के एक, और बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस पे। बाकी आप देख सकते हैं खुद आके, यहाँ पे हम आ चुके हैं अभी वैसे करोलबाग, अपने जहाँ हमें काम है वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, यहाँ से अपने सामान लेने हैं हमें, और थोड़ी दूरी पे है बस, थोड़ी देर में हम पहुँचने ही वाले हैं वहाँ। यहाँ पे हालांकि अभी सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा सा रश कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो फाइनली हमने सारे सामान ले लिए अपने दुकान की और निकल चुके हैं फिर वापस अपने घर के लिए। दो घंटे करीब लग गई हमें सामान लेने में, अरे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है संडे को ना, तो थोड़ा सा रशिंग हो जाता है और दुकानें भी लेट खुलती हैं। हम एक्चुअली में पहले आ गए थे, मैं ग्लास जहाँ से लेना था वहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया। और देखिए अभी हम आए थे तो बिल्कुल खाली रोड थी, अभी देखिए धीरे धीरे यहाँ पर रशें बढ़ने लगेगी। और पार्किंग देखिए यहाँ पे ऑन रोड पार्किंग होता है और इसके इतने ज़्यादा पैसे ये लोग कमाते हैं। जाम भी सबसे ज़्यादा इसी की वजह से लगता है, दिल्ली सरकार पता ना क्या कर रही। खाली आप अगर पार्क करके चले गए विदाउट पार्किंग, आपका गाड़ी या तो टो कर लिया जाएगा या फिर चालान कर दिया जाएगा। और वही पार्किंग वाले खड़े करते हैं रोड पर फिर भी नहीं लगा पाते, कोई चालान नहीं होता है। और ये देखिए इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं जिलेबिया मोड़, जलेबी जैसा घूमा हुआ बिल्कुल, बाइक भी एकदम टन ऐसा लग रही है नीचे जाकर लगेगी बाइक। और ये स्ट्रक्चर बन रहा है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, ये वाला जब रूट चालू हो जाएगा तब बिल्कुल भी जाम नहीं मिलेगा। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर, अभी अपने गली में, और इधर थोड़ा सा काम चल रहा है इसके वजह से रास्ता हम रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, खोल दियो गेट, खोल गिरा मत देना, गिरा मत देना। नहीं गिरेगा तू, खोल तो सही। अंदर कर उसे, तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर, सारे सामान हमने ले लिए हैं और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके बाय बाय, टेक केयर।